हेलो स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स में हम लोग अब पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के 2016 से 2019 में आईटी एडवांस में जितने भी क्वेश्चंस आए गए हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड माई सेल्फ प्रशस्त जैन, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स, CLC सीकर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्री है जिसके दो प्लांट्स हैं T1 और T2। T1 20% बैटरी कंप्यूटर्स बनाता है और T2 80% कंप्यूटर्स बनाता है। T1 और T2 के द्वारा बनाए गए जो कंप्यूटर्स हैं उसमें टोटल 7% कंप्यूटर्स डिफेक्टेड पाए जाते हैं। साथ में हम लोगों को ये बताया गया है कि T1 में अगर कंप्यूटर को बनाया गया है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 10 टाइम्स है उस प्रोबेबिलिटी के, जबकि अगर वो T2 में बनाया गया है और ख़राब होता है। ओके, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम रैंडमली एक कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं और वो डिफेक्टिव नहीं होता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो T2 फैक्ट्री में बनाया गया है। ओके, जो डेटा हमें दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रोबेबिलिटी T1 यानी कंप्यूटर को T1 में बनाया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20/100। T2 में उसको बनाया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 80/100। साथ में हमें दे रखा है कि T1 में उसके बनाए जाने पर उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर उसे T2 में बनाया गया है तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। आई एम यूजिंग D एज ए इवेंट ऑफ कि वो डिफेक्टिव होना हो, इस इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल D यूज़ किया, यानी ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि T1 में बने हुए प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है T2 में बने होने पर उसके डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमें क्वेश्चन में एक डेटा दिया गया है। साथ में हमें ये भी दिया गया है कि टोटल उसके डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 7% है, यानी 7/100 है। अब देखिए, इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम लोग और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हम लिख सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 यानी 20/100 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 में उसके बने होने पर उसके ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी प्लस T2 में वह बना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 80/100 इनटू T2 में उसके बने होने पर उसके ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी, ये 7/100 है। ओके, लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D/T2 इज लैम्डा, तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ D/T1 हो जाती है 10 लैम्डा। यहाँ पर हम इन डेटास को रखते हैं, 100 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 20 × 10 लैम्डा प्लस 80 × लैम्डा इक्वल टू 7, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 7/280, दैट इज 1/40। ओके, नाउ हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस बात की कि अगर एक रैंडमली सेलेक्टेड कंप्यूटर जो कि डिफेक्टिव नहीं है वो T2 में बना हो, यानी हम सबों से एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2/D-। D- यहाँ पर हो गया कि वो कंप्यूटर डिफेक्टिव नहीं है और T2 कि वो T2 में बना है। अब देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ D- और प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D-। अब देखिए, डिफेक्टिव होने की टोटल प्रोबेबिलिटी है 7/100, तो डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 93/100, तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास 93/100 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D- को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटू प्रोबेबिलिटी D-T2। प्रोबेबिलिटी T2 इक्वल है 80/100 के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D-T2। देखिए, ये इवेंट और ये इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास में होगी 1 − λ के अपॉन 93/100। 100 कैंसिल होता है, ये होता है 80/93 इंटू 1 − λ। लेमडा हमारे पास में है 1/40। ओके, तो देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 39 यानी कि 78/93।
तो क्वेश्चन का आंसर होता है 78/93, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, देखिए क्वेश्चन नंबर टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि एक डिबेट क्लब में 6 गर्ल्स और 4 बॉयज़ हैं, हमें 4 लोगों की एक टीम इस ग्रुप से सेलेक्ट करनी है, जिसमें हमें एक कैप्टन को भी सेलेक्ट करना है। नाउ अगर इस टीम में कम से कम एक बॉय होना ही चाहिए, तो हमें इस काम को नंबर ऑफ पॉसिबल वेज पूछे गए हैं। ओके, देखिए नंबर ऑफ वेज हम लोग इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि हम सबसे पहले टीम को सेलेक्ट करते हैं। सो से हमारे पास यहाँ पे क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हमारे पास तरीका हो सकता है कि हम लोग एक बॉय लें और 3 गर्ल्स लें, या हमारे पास तरीका हो सकता है कि हम बॉयज़ 0 लें और 4 की 4 गर्ल्स लें। ठीक है, तो देखिए इस काम को करने के कितने तरीके होंगे। 4 बॉयज़ में से 1 बॉय को सेलेक्ट किया, 6 गर्ल्स में से हमने 3 गर्ल्स को सेलेक्ट किया। इस काम के करने के तरीके हुए 4 बॉयज़ में से 0 बॉयज़ और 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स हमने सेलेक्ट की। ये तो हमारे पास सिलेक्शन के तरीके हो गए। अब देखिए जितने भी जो भी 4 लोग सेलेक्ट होंगे, उनमें से किसी एक को हमें कैप्टन बनाना है, तो उसके लिए उन 4 लोगों में से हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, 4C1 तरीके से उसे कैप्टन बना देंगे। तो दिस शुड बी आर आंसर। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 × दैट इज 6 × 5 × 4/20 × 4 दैट इज 80+15 × 4, तो ये हमारे पास हो जाता है 95 × 4, तो ये हो जाता है 380। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 380। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह के बहुत से सिंपल से क्वेश्चन भी IIT में आते हैं, हमें इस तरह के क्वेश्चन कभी भी लीव नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें P हम लोगों को एक मैट्रिक्स दे रखी है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और Q एक और मैट्रिक्स है, जो कि एक इक्वेशन P^50 - Q = I इसको सेटिस्फाई करती है। तब हम लोगों को Q के कुछ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए उसके लिए हमें P^50 को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। P हमें दिया है 1416 0 1 4 0 0 1। देखिए यहाँ से हम लोग अगर पी स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं, 1416 0 1 4 0 0 1 × 1416 0 1 4 0 0 1, तो देखिए ये हो जाता है हमारे पास में 1+0+0 0+0+0 0+0+0 4 + 4 = 8 0 1 0 0 and 0 16 × 1 16 + 16 + 16, तो देखिए ये बनता है हमारे पास में 16 × 3, फिर हमारे पास बनता है 0 4 + 4 8, और ये फिर बनता है हमारे पास में 1। ये हमारे पास में पी स्क्वायर बनता है, इसको हम लोग 48 भी लिख सकते हैं, या हम इसे चाहें तो 16 × 1+2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं पी क्यूब को कैलकुलेट करूं, तो वो होगा पी स्क्वायर को हम लोग पी से मल्टीप्लाई कर दें, 1 0 0 8 1 0 48 8 1 × 1 4 16 0 1 4 0 0 1, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा सबसे पहले 1, उसके बाद मिलता है हम लोगों को 0, फिर हमें मिलता है 0, फिर हमें मिलता है 8+4 = 12, फिर हमें मिलता है 0 1 and 0, फिर हमें मिलता है 0 0 and 0, फिर हमें मिलता है 48 × 1 + 8 × 4 = 32 + 16, तो 48+48 = 96। नाउ अगेन 0 8 and 4 = 12, फिर हमें मिलता है 0 0 and 1। अब देखिए हम यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि किसी पैटर्न को हम लोग पहचान पाएँ, ताकि हम P^50 को डायरेक्टली बता पाएँ कि वो क्या बनेगा। देखिए एक चीज़ हमें ऑब्जर्व हो रही है, चाहे P हो, चाहे P स्क्वायर हो, चाहे P क्यूब हो, डायगनल सभी में 1 1 1 के बराबर है। ये तीनों एलिमेंट सभी में हमारे पास में 0 के बराबर हैं। उसके बाद अगर हम बचे हुए एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें, देखिए P में यहाँ हमें नज़र आ रहा है 4,
पी स्क्वायर में हमें नज़र आ रहा है 8, पी क्यूब में हमें नज़र आ रहा है 12। देखिए ये हमारे पास में एक अर्थमेटिक सीरीज बन रही है 4, 8, 12। तो हम बोल सकते हैं कि p की पावर 50 में ये जो टर्म होगी ये होगी a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, दैट इज 4, दैट इज 200। ओके, अगर हम अगले पार्ट को देखें, देखिए यहां पर हमें नजर आ रहा है 16, उसके बाद यहां हमें नजर आ रहा है 48, उसके बाद यहां हमें नजर आ रहा है 96। अगर इस सीरीज को हम थोड़ा और ऑब्जर्व करें, देखिए ये लिखा हुआ है 16 इंटू 1, ये लिखा है 16 इंटू 1 प्लस 2, ये लिखा है 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3। इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 50th टर्म जो होगी इस सीरीज की वो होगी 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल 50, दैट इज 16 इंटू 50 इंटू 51 अपॉन 2। तो यहाँ से अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो ये होता है 8 इंटू 50 इंटू 51, या हम चाहे तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अब मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू हमारे पास होता है पी टू दी पावर 50 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पी टू दी पावर 50 हमारे पास बनेगा डायग्रल में सभी जगह 1 होंगे, यहाँ पे सभी जगह 0 होंगे, ये दोनों एलिमेंट हमारे पास में होंगे 200 और ये एलिमेंट हमारे पास होगा 8 इंटू 50 इंटू 51 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो जाता है 0 0 0 200 0 0 8 इंटू 50 इंटू 51 200 एंड 0। अब देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना था Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21। Q31 हमारे पास बराबर है इस एलिमेंट के 8 इंटू 50 इंटू 51, Q32 बराबर है 200 के और Q21 बराबर है अगेन 200 के। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए इसे इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास में बनता है 2 इंटू 51, दैट इज़ 102 प्लस 1, दैट इज़ 103। तो क्वेश्चन का आंसर होता है 103। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th अगेन एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि दो फुटबॉल टीम्स हैं T1 और T2 जो कि एक दूसरे के अपोजिट दो दो गेम्स खेलती हैं। ये बताया गया है कि कोई सा भी गेम पिछले गेम से इंडिपेंडेंट है, T1 के जीतने के हार ड्रॉ होने के और गेम को हारने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो रेस्पेक्टिवली 1/2, 1/6 और 1/3 हैं। जीतने पर हर टीम को 3 पॉइंट मिलते हैं, ड्रॉ पर 1 पॉइंट मिलता है और गेम के हार जाने पे 0 पॉइंट मिलते हैं। एक्स और वाई T1 और T2 के द्वारा जो टोटल पॉइंट्स अर्न किए गए हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ हमें ये एक पैराग्राफ दे रखा है जिस पर दो क्वेश्चन बेस्ड हैं, क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th। तो हमसे दो प्रोबेबिलिटीज इसमें पूछी गई हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर 4th है उसमें हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि इसका मतलब हुआ, सिंपल शब्दों में हम सोचें तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 के जो पॉइंट्स हैं वो T2 से ज़्यादा होने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, दैट इज कि दोनों टीम्स के बराबर स्कोर हों, बराबर नंबर्स हों स्कोर हो, तो उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए हम एक एक करके इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th को। तो देखिए पहले हम लिख देते हैं कि T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, T1 के मैच को ड्रॉ हो जाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और T1 मैच को हार जाए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास में 1/3 है। ओके, तो पहले हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई। तो हम सोचते हैं सबसे पहले कि एक्स का स्कोर वाई के स्कोर से ज़्यादा कब कब हो सकता है। देखिए अगर दोनों ही मैच T1 जीत जाता है तो डेफिनेटली उसके स्कोर ज़्यादा होगा। तो अगर इस केस में बात करूँ तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, पहला मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। दूसरा केस इसमें हो सकता है कि एक मैच
टी वन जीत जाए जिस पर उसको 3 पॉइंट मिल जाए, और एक मैच ड्रॉ हो जाए जिस पर उसको 1 पॉइंट मिल जाए। तो ऐसा करने पर भी टी वन के नंबर ऑफ जो टोटल स्कोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो हमने सबसे पहले दोनों में से एक मैच को सेलेक्ट किया जिसको कि टी वन जीतेगा और बचा हुआ मैच वो ड्रॉ कर देगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ओके, यही दो इवेंट हमारे पास में यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर इसे हम लोग अब कैलकुलेट करें तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/6 यानी कि 12, 3+2 यानी 5/12। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आ गया हमारे पास 5/12। क्वेश्चन नंबर 5th में हम लोगों से पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वाई दोनों का स्कोर सेम होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो देखिए, दोनों का स्कोर इक्वल कब हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है कि दोनों ही मैच ड्रॉ हो जाए, यानी कि पहला भी मैच ड्रॉ 1/6, दूसरा भी मैच ड्रॉ 1/6, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक मैच टी वन जीत जाए और एक मैच टी टू जीत जाए। ठीक, तो इसके लिए हमने सबसे पहले दो में से दोनों मैच में से एक मैच को सेलेक्ट किया, ये मैच टी वन जीता इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और दूसरा मैच वो हार गया यानी टी टू जीत गया इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ये दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं दोनों स्कोर्स, दोनों के स्कोर सेम होने के। तो अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1/36 प्लस 1/3 यानी कि 1+12 13/36। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारे पास में 13/36। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें एक मैट्रिक्स P दे रखी है और साथ में एक और मैट्रिक्स Q के बारे में बात हो रही है। P और Q को मल्टीप्लाई करने पर K into आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलती है। आगे Q मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स से रिलेटेड डेटा हमको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को P into Q equals to KI, इस मैट्रिक्स के बारे में बात हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए, हमें P मैट्रिक्स दे रखी है 3, 2, 3, -1, 0, -5, -2, α and 0। अगर इस मैट्रिक्स, देखिए हम लोगों को एक दिया हुआ है डेटा कि P इंटू क्यू इक्वल्स टू K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि Q इक्वल्स टू K इंटू P इनवर्स इस मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो हमें P इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और P इनवर्स मैट्रिक्स के लिए हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ P कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P आ रहा है हमारे पास 3 × 5α प्लस 1 × -3α -2 × -10। तो ये देखिए हमारे पास हो जाता है 12α + 20। नाउ एडजॉइंट ऑफ P हमें निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ P हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ P निकालने के लिए हम सभी एलिमेंट के सबसे पहले कोफैक्टर देखेंगे। तो 3 का कोफैक्टर हमारे पास में है 5α, -1 का कोफैक्टर है हमारे पास में 3α, -2 का कोफैक्टर है हमारे पास में -10, फिर 2 का कोफैक्टर है हमारे पास में +10, फिर 0 का कोफैक्टर है हमारे पास में +6, अल्फा का कोफैक्टर है हमारे पास में +12, थ्री का कोफैक्टर है हमारे पास में -α, -5 का कोफैक्टर है 3α +4 का -, 0 का कोफैक्टर है हमारे पास में 2। और इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, सीधे हम लोग यहीं पर लिख देते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास में हो जाता है K अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P हमारे पास में थी 12α + 20, और एडजॉइंट ऑफ P हमारे पास में हो जाता है 5α, 3α, -10, 10, 6, 12, -α माइनस में 3α + 4 और 2। ये हमारे पास में Q मैट्रिक्स आती है। अब देखिए, हम लोगों को ये बताया गया है कि Q 2, 3 ये हमारे पास -K/8 के इक्वल है। Q 2, 3 इसका मतलब होगा K अपॉन
12 अल्फा प्लस 20 इंटू मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एलिमेंट, तो इसका मतलब होता है माइनस में 3 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू माइनस के अपॉन 8। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि के जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, तो के और के हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है एक कि 3 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 अल्फा प्लस 5 अपॉन 8 दैट इज 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 5। तो यहाँ से अल्फा के बारे में हम लोगों को रिजल्ट मिलता है अल्फा इक्वल टू माइनस 1। ये तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलती है इस क्वेश्चन में। अब अल्फा की वैल्यू मिलने के बाद में हम लोगों को एक और बात दे रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू ये के स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास में माइनस 1 है तो यहीं पर हम लोग वापस से देख सकते हैं कि क्यू हमारे पास हो जाता है के अपॉन, अल्फा को माइनस 1 रख देते हैं तो ये हो जाता है 8, ये हो जाता है माइनस 5 माइनस 3 माइनस 10 10 6 12 1 माइनस 1 2। ये हमारे पास में क्यू मैट्रिक्स आ रही है, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो जाता है, देखिए इस मैट्रिक्स का और हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट। अब जैसा हम जानते हैं कि ये एक स्केलर नंबर है तो इसको इससे बाहर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं के अपॉन 8 टू द पावर 3 इनटू इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा माइनस 5 इनटू 12 प्लस 12 यानी कि 24 माइनस 10 इनटू माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 और प्लस 1 इनटू माइनस में 36 प्लस 60, तो 60 माइनस 36 दैट इज 24 ये हमें मिलता है। तो इस डेटा को हम लोग सीधे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में के क्यूब अपॉन 8 क्यूब इनटू, ये डेटा हमारे पास में हो जाता है देखिए माइनस में ये प्लस 160, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें, तो ये हमारे पास में हो जाता है देखिए माइनस 4 इंटू 24 दैट इज माइनस 96 प्लस 160, तो ये हमारे पास में हो जाता है थोड़ा सा सही करके देखते हैं हम लोग 64 इक्वल्स टू व्हाट के स्क्वायर बाय 2। तो यहां से देखिए के आता है हमारे पास में 8 क्यूब इंटू 8 क्यूब डिवाइड बाई 2 इंटू 64 दैट इज 2 टू दी पावर 9 अपॉन 2 टू दी पावर 7 दैट इज 4, तो के हमको मिलता है यहां से 4। ओके तो अब देखिए अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरे ऑप्शन को चेक करें कि 4 अल्फा माइनस के प्लस 8 की वैल्यू क्या है, तो ये होती है माइनस 4 माइनस 4 प्लस 8 जो कि जीरो आ रही है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें हम लोग, तीसरे ऑप्शन में हम लोगों से पूछा गया है तीसरे ऑप्शन में देखिए हमसे पूछा गया है P इंटू एडजॉइंट ऑफ Q, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमसे पूछा गया है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ Q, अगेन ये हो जाता है हमारे पास में, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ P को कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फा हमारे पास माइनस 1 था और ये हमारे पास आया था 12 अल्फा प्लस 20, अल्फा को हमने माइनस 1 रखा तो ये आ गया था हमारे पास 8, तो ये हमारे पास 8 होता है और इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट क्यू टू दी पावर 2 क्योंकि थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो ये आ जाता है 8 इंटू डिटर्मिनेंट क्यू हमारे पास में है, डिटर्मिनेंट क्यू की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं 16 अपॉन 2 यानी 8, तो ये हो जाता है 8 का स्क्वायर यानी 64,
यानी 2 क्यूब इंटू 2 to the power 6 यानी 2 की पावर 9। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम लोग 4th ऑप्शन को देखें तो उसमें पूछा है क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है। इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, इसका डिटर्मिनेंट दैट इज डिटर्मिनेंट क्यू की वैल्यू हमने देखी थी अभी 16/2 यानी 8, और यह है डिटर्मिनेंट पी की पावर 2, डिटर्मिनेंट पी हमारे पास 8 है इसकी पावर 2, तो अगेन ये भी 2 की पावर 9 ही आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4th कह रहा है कि ये 2 की पावर 13 है, तो ऑप्शन नंबर 4th गलत होता है। तो फाइनली आंसर हम कह सकते हैं कि 2nd and 3rd ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th में हम लोगों को 2 इक्वेशंस दे रखी हैं एक्स और वाई में, और उनके सॉल्यूशंस से रिलेट करते हुए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम एक एक करके ऑप्शंस को देखेंगे। देखिए, इक्वेशन दे रखी है ax+2y = λ एंड 3x-2y = μ। देखिए, मान सकते हैं कि ये पहली लाइन की इक्वेशन है L1 की, और ये L2 लाइन की इक्वेशन है, ये 2 लाइन्स की इक्वेशन है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो ये जज करते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी। देखिए, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल तब होंगी जब a/3 और 2/-2 एक दूसरे के बराबर होगा, यानी a = -3 होगा। अब देखिए, a को -3 लेने पर दोनों लाइन पैरेलल तो हो जाती है, परंतु फिर भी 2 ऑप्शंस हैं। हो सकता है दोनों लाइन सेम हों, और हो सकता है कि दोनों लाइन अलग अलग हों। तो कब ये सेम होंगी और कब ये अलग अलग होंगी, हम लोग वो भी जज कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग ए को अगर यहाँ पे -3 लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि L1 एंड L2 विल बी आइडेंटिकल इफ a/3 = 2/-2 = λ/μ, दैट इज a = -3 एंड λ = -μ, दैट इज λ+μ = 0। तो L1 और L2 के आइडेंटिकल होने के लिए इन दोनों शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन, अगर a -3 है तो सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, चाहे लैम्डा और म्यू कुछ भी हो। देखिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर a -3 है तो दोनों लाइन सेम पैरेलल होंगी, परंतु वो सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अगर दोनों लाइन सेम नहीं होंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं बल्कि 0 सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, अगर a -3 के बराबर नहीं है तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखिए, ये बात सही है। अगर a -3 के बराबर नहीं है तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, और पैरेलल नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, जिससे हमें इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो उसमें कहा गया है कि लैम्डा प्लस म्यू अगर 0 है, a अगर -3 है, तो सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये हम पहले कर चुके हैं बात, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चौथे ऑप्शन में कहा गया है कि अगर a -3 के बराबर है और λ+μ ≠ 0 है, तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये भी बात सही है। a = -3 ले और λ+μ ≠ 0 ले, तो ये दोनों लाइन पैरेलल तो होंगी परंतु सेम नहीं होंगी, तो उस केस में इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक डिटर्मिनेंट = 0 हमें दी गई है, और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर x की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमें मिलेगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट हम लोगों को दे रखी है x 2x 3x x2 4x2 9x2 1+x³ 1+8x³ और 1+27x³ डिटर्मिनेंट = 0। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन ले लेते हैं, सेकंड कॉलम में से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए, ये बन जाता है हमारे पास में 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1+x³ 1+8x³ और 1+27x³ = 0। तो देखिए, एक बार तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं, तो उससे x की a की वैल्यू मिलेगी हमें 0, और दूसरी बार हम लोग इस डिटर्मिनेंट को = 0 कर देते हैं, अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 1, 1
प्लस 123149 और एक्स क्यूब 8x³ और 27x³ इक्वल्स टू 0। देखिए ये डिटर्मिनेंट हम लोग साफ तौर पे कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के बराबर है, और इसमें हम लोगों ने थर्ड कॉलम में से एक्स क्यूब को कॉमन लिया, अब देखिए यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई अगर करें तो इस डिटर्मिनेंट में हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू मिलने वाली है 1 × 18 − 12 6 − 1 × 9 − 4 5 + 1 × 1 + x³। इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए ये हम लोगों को एक पैटर्न दिख रहा है 1 1 1, फिर ये हमारे पास में है 2 4 8, ये हमारे पास 3 9 और 27। तो देखिए ये हमारे पास में 2² है, ये 2³ है, ये 3² है, ये 3³ है। तो हम एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट के थ्रू जानते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी a − b × b − c × c − a, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास में बनता है 6 7 − 5 2 प्लस x³ × 2 = 0। तो यहाँ से हमें x की एक वैल्यू −1 मिलती है, तो x की अल्टीमेटली दो वैल्यूज़ हैं, एक 0 और एक −1। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है x + y + z = 10। xyz नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों को कहा गया है कि जेड अगर इवन है तो इस इक्वेशन के हम टोटल कितने तरह से सॉल्यूशंस देख सकते हैं, तो देखते हैं। देखिए x + y + z हमारे पास में 10 है, x, y और z तीनों हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं यानी होल नंबर्स हैं, और जेड हम लोगों के पास में इवन नंबर आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए टोटल केसेस को सबसे पहले हम लोग गिन लेते हैं। तो टोटल केसेस की बात करें तो हमें 10, हम इस क्वेश्चन को एक तरह से इस तरह से जज कर सकते हैं कि हमें 10 आइडेंटिकल एलिमेंट्स को इन तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, उससे हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 10 + 2 C2 यानी 12 C2। अब अगर हम लोग फेवरेबल केसेस को गिनना चाहें, जेड चूंकि हमको इवन लेना है तो देखिए एक एक करके हम जेड की कुछ वैल्यूज लेते जाएं। जैसे जेड को अगर सबसे पहले मैंने 0 लिया तो 10 हम x + y = 10 के बराबर हो गया, तो उस केस में हमारे पास में एलिमेंट हो जाएंगे 10 + 1 C1। फिर जेड को हमने 2 लिया तो जेड को 2 लिया तो x + y = 8 हो जाता है, तो 8 हो जाता है तो ये हो जाएगा 8 + 1 C1। फिर हम जेड को 4 ले लेते हैं तो 4 ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास में 6 + 1 C1। इसी तरह से हम लोग जेड को 6 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 1 C1। इसी तरह से हम उसको 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1 C1। और इसी प्रकार से हम लोग Z को 10 ले लेते हैं, तो Z को 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 + 1 C1। तो देखिए अब अगर हम लोग इनको कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है हमारे पास में 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 / 12 C2। 12 C2 को हम लिख सकते हैं 12 × 11/2, दैट इज़ ये हमारे पास में आता है 12 × 3 = 36 / 66, दैट इज़ 6/11। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 6/11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th हम लोगों को अगेन एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि M एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसमें केवल तीन ही एलिमेंट हो सकते हैं 0, 1 और 2। तो हमसे ये पूछा गया है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी फॉर विच द सम ऑफ द डायगनल एंट्रीज ऑफ m ट्रांसपोज इनटू m इज 5। ठीक, यानी कि m ट्रांसपोज इनटू m इस मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स का सम, जिसको हम लोग ट्रेस भी कह सकते हैं, तो ट्रेस ऑफ mtm शुड बी इक्वल्स टू 5। तो हम ऐसी कितनी मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसमें ये संभव है। तो देखिए हम लोग
एम को मान लेते हैं कि एम है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई के बराबर। अब अगर हम लोग एम ट्रांसपोज और एम को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इंटू ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। हमें केवल डायगनल एलिमेंट से ही मतलब है तो हम केवल डायगनल एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करें, बाकी सब एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ आएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ हमारे पास में आएगा बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और यहाँ हमारे पास आएगा सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। तो अगर हम इस मैट्रिक्स के ट्रेस की बात करें तो वो इन सब का सम हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। और एज पर गिवन इन द क्वेश्चन ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 5 के बराबर। जैसा हम जानते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये सारे के सारे 0 या 1 या 2, बस ये तीन एलिमेंट ही हो सकते हैं। तो देखिए इन 9 एलिमेंट्स का सम हमें 5 चाहिए, तो ये किस तरह से हो सकता है? एक तरीका तो ये हो सकता है कि इन 9 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट 1 हो और बाकी सब एलिमेंट 0 हो, तो उनको जोड़ने पे 5 आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन 9 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट 2 हो और कोई एक एलिमेंट 1 हो और बाकी सब एलिमेंट 0 हो। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज कैलकुलेट करें तो पहला तरीका था इन 9 में से किन्हीं 5 को 1 बनाना, तो हमने इन 9 में से सबसे पहले 5 एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, उनको 1 बना दिया और बाकी सब को हमने उनको हमने 1 बना दिया और बाकी सबको हमने 0 बना दिया। और दूसरा तरीका हो सकता है कि इन 9 एलिमेंट्स में से मैंने किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया, उसको 2 बना दिया और किसी बचे हुए 8 में से किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया, उसे भी हमने 1 बना दिया और बाकी सबको हमने 0 बना दिया। तो देखिए ये हमारे पास हो जाता है 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 432 प्लस 9 × 8। तो सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास होता है 126 प्लस 72 यानी कि 198। तो क्वेश्चन का आंसर आता है 198। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को कुछ डेटा दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन वाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हमें दी गई है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन एक्स अगेन एक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है हमें 2/5। तो अलग अलग कुछ प्रोबेबिलिटीज हम लोगों को ऑप्शंस में दे रखी है जो हमें चेक करनी है, वेरीफाई करनी है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसको प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स जिसकी वैल्यू 1/3 है इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू मिल जाएगी जो हो जाती है हमारे पास में 2/5 × 1/3 यानी 2/15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 गलत है। प्रोबेबिलिटी एक्स अपॉन वाई को अगर हम यूज़ करें तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी वाई जिसकी वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी वाई की वैल्यू हमें मिलती है 2 × ये प्रोबेबिलिटी और ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2/15। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी वाई हमें मिलता है 4/15। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी एक्स यूनियन वाई हमें पहले ऑप्शन में चेक करनी है, इसको कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं ये होती है प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी वाई माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आता है हमारे पास में 5 + 4 - 2 दैट इज 7/15। तो हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। फिर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन में पूछा है प्रोबेबिलिटी एक्स डैश अपॉन वाई। देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी एक्स अपॉन वाई की कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी एक्स अपॉन वाई से। और ये डेटा हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है 1/2, तो ये हो जाता है 1/2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शंस।
क्वेश्चन नंबर 12th मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को कई मैट्रिक्स कई ऑप्शंस दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो किसी भी 3x3 मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। देखिए अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स लेट अस से कि जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू की स्क्वायर वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो इस केस में नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेफिनेटली नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर इस बेसिस पर हम ऑप्शंस को चेक करें तो देखिए पहले ऑप्शन में जो मैट्रिक्स हमें दी गई है 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 अगर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो -1 है तो ये किसी भी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन की जो डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ है वो इक्वल टू 1 है तो वो किसी न किसी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी ही। और ऑप्शन नंबर 4th की अगर बात करें तो उस मैट्रिक्स के भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है इसलिए वो भी किसी भी दूसरी मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो सकती। तो फर्स्ट एंड फोर्थ शुड बी दी आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टींथ में हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है और ये कहा गया है कि अगर उस मैट्रिक्स इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो 1+a+a² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 1a² a1a और a² a और 1 into xyz = 1 - 1 and 1। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है इस मैट्रिक्स को अगर मैं a बोल दूं, इस मैट्रिक्स को x बोल दूं और इस मैट्रिक्स को हम b बोल दें तो ये इक्वेशन बन जाती है ax = b। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ये होगी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को अगर मैं जीरो करता हूँ तो डिटर्मिनेंट ए देखिए क्या है, 1 into 1 - a² - a into a - a³ + a² into a² - a² दैट इज जीरो। तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है 8^4 - 2a² + 1 = 0 यानी a² - 1² = 0। तो ए की यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलती है 1 and -1। एक एक करके चेक करते हैं कि इन दोनों डेटास पे क्या होता है। देखिए अगर हम लोग ए को 1 लेके चलते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करके लिखूँ, ए को 1 लिया तो ये इक्वेशन हो गई x, पहली इक्वेशन होती है x + y + z = 1, दूसरी होती है x + y + z = -1 और तीसरी होती है x + y + z = 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि x + y + z की वैल्यू एक साथ 1 और -1 दोनों नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है इसलिए a = 1 पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग a को -1 लेके चलते हैं तो ये इक्वेशंस बनती है, देखिए x - y + z = 1, x - x + y - z = -1 and x - y + z = 1। देखिए ये जो इक्वेशंस हैं ये तीनों इक्वेशन एक्चुअली में सेम ही है और ये एक प्लेन की इक्वेशन है और उस प्लेन पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो डेफिनेटली इन इक्वेशंस को इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि a = -1 हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 1+a+a² की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो 1 - 1 + 1 यानी कि 1। तो क्वेश्चन का आंसर होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th, देखिए क्वेश्चन नंबर 14th परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ABCD इस तरह से J तक लेटर्स दिए गए और हमें उन लेटर्स को यूज़ करके 10 लेटर का शब्द बनाना है। इस प्रकार के बनाए गए शब्द में से X इस प्रकार के शब्द हैं जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा और Y ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली एक लेटर दो बार रिपीट होता है और बाकी कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है। तो हमें y/9x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए y/9x डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हम लोग x कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी इजी है वो। हमें लेटर्स दिए गए हैं टोटल 10 और 10 लेटर से ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें 10 अक्षर का ही शब्द बनाना है जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो, तो सिंपल वो फैक्टोरियल 10 के बराबर होगा तो x = 10 हो गया। y की बात करूँ
तो देखिए वाई में कहा गया है कि एक लेटर को दो बार यूज़ करना है और बाकी कोई भी लेटर यूज़ नहीं करना। तो इसमें कुल मिला के जो दिए गए 10 लेटर्स हैं उसमें से 9 लेटर यूज़ होंगे, एक लेटर यूज़ नहीं होगा, और उन 9 में से कोई एक दो बार यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने 10 लेटर में से एक लेटर को सेलेक्ट किया जिसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब बच गए 9 लेटर, उन 9 लेटर्स में से मैंने एक लेटर को सेलेक्ट किया जिसको कि मैं दो बार यूज़ करूँगा। अब हमारे पास में लेटर्स का कलेक्शन आ चुका है, अब उसे देखना है कि अरेंज कैसे करना है। देखिए टोटल हमारे पास 10 लेटर हैं जिसमें से दो एक जैसे लेटर हैं, तो इसको अरेंज करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये और ये कैंसिल है, फैक्टोरियल 10 कैंसिल है, तो ये होता है 10 अपॉन 2 यानी कि 5। तो क्वेश्चन का आंसर है 5। तो देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन आईटी एडवांस में पूछा जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि जिसमें जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। हमें कहा गया है कि 5 स्टूडेंट्स हैं S1 S2 S3 S4 S5 म्यूजिक क्लास में, और उनके लिए R1 R2 R3 R4 R5 इस तरह से कुछ सीट्स हैं, जहाँ पर सबसे पहले RI स्टूडेंट को RI सीट पर SI स्टूडेंट को बिठाया गया, यानी S1 सीट पर S1 स्टूडेंट R1 सीट पर बैठा है, S2 R2 पर, S3 R3 पर, S4 R5 पर और S5 R5 सीट पर बैठा हुआ है, इस तरह से हमें दिया गया है। नाउ एग्जामिनेशन डे में पांचों स्टूडेंट्स को रेंडमली बिठाया जाता है। अब हमसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि एग्जामिनेशन डे पे स्टूडेंट S1 R1 सीट पर बैठे और बाकी कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रीवियसली अलॉटेड सीट पर नहीं बैठे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम टोटल तरीकों की बात करें तो टोटल तरीके में तो पांचों स्टूडेंट्स को पांचों चेयर्स पर बिठाने के तरीके टोटल फैक्टोरियल 5 होंगे। फेवरेबल तरीके देखें तो हम सबसे पहले S1 को R1 सीट पर बिठा देंगे, बाकी चारों स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर नहीं बैठने चाहिए। तो हम लोग डी अरेंजमेंट के एक फॉर्मूले को यूज़ करके इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि बचे हुए चारों स्टूडेंट अगर अपनी सीट पर ना बैठे तो उसके तरीके होंगे फैक्टोरियल 4 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये हमारे पास में होता है 5, या और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 12 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 120, दैट इज 9 अपॉन 120, दैट इज 3 अपॉन 40। तो क्वेश्चन का आंसर होता है 3 अपॉन 40। इसी पैराग्राफ के अगर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें हमें कहा गया है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर एग्जामिनेशन डे में, देखिए इसमें एक तरह की बात कह रखी है कि TI एक इवेंट है जो ये बता रहा है कि SI एंड SI प्लस 1 डू नॉट सिट एडजेसेंट। इस बात का मतलब यह हुआ कि S1 और S2 स्टूडेंट आपस में आजू बाजू नहीं बैठे होंगे, S2 और S3 कॉन्जिक्यूटिव सीट्स पर नहीं बैठे होंगे, S3 और S4 नहीं बैठे होंगे, S4 और S5 आसपास की सीट्स पर बैठे हुए नहीं होंगे। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कुल मिला के इस बात का मतलब सिंपल इतना सा है कि S1 और S2, S2 और S3, S3 और S4, S4 और S5 ये आसपास की सीट्स पर बैठे हुए नहीं होने चाहिए। तो देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं देखते हैं। इसके लिए देखो टोटल तरीके तो वही हम लोगों को लेने होंगे फैक्टोरियल 5। फेवरेबल के लिए एक बार हम लोग इस तरफ देखते हैं कि क्या क्या ऐसा हो सकता है। हम लोग स्टूडेंट्स को समझने के लिए 1, 2, 3, 5 से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं सबसे पहली सीट पर हम लोगों ने फर्स्ट स्टूडेंट को बिठाया, हम लोगों को मैनुअली इसको गिनना पड़ेगा कि ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं। तो हम लोग गिनते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले हमने पहले स्टूडेंट को बिठाया, अब सेकंड सीट पर हम सेकंड स्टूडेंट को नहीं बिठा सकते, मान लेते हैं इस पर थर्ड स्टूडेंट को हमने बिठाया, अब यहाँ पर हम लोग ना सेकंड को बिठा सकते हैं ना फोर्थ को बिठा सकते हैं, तो यहाँ 5 ही बैठेगा। अब 2 और 4 हमारे पास में बसते हैं, तो 2 और 4 यहाँ पर हमारे पास में
इसी तरह से बैठेंगे क्योंकि फोर तो पहले बैठ नहीं सकता, एक तरीका यह हुआ। इस तरीके का मतलब है कि पहली सीट पर S1, फिर S, सेकंड सीट पर S3, फिर थर्ड सीट पर S5, फिर फोर्थ सीट पर S4 और फिफ्थ सीट पर S4 स्टूडेंट बैठ रहा है। ऐसे हम लोग मैनुअली गिनते चले जाते हैं। तो देखिए इसी तरह से और थोड़े से तरीके अगर हम लोग गिने, तो मान लेते हैं पहली सीट पर वन बैठा है स्टूडेंट, फिर दूसरी सीट पर हमारे पास में फोर्थ नंबर स्टूडेंट बैठा है, फिर यहाँ पर हम लोग सेकंड, हम थर्ड स्टूडेंट को नहीं बिठा सकते, फिफ्थ को नहीं बिठा सकते, तो यहाँ पर हमारे पास में थर्ड सेकंड नंबर स्टूडेंट बैठता है। अब हमारे पास बचते हैं देखिए थ्री और फाइव, तो थ्री और फाइव को हमें ऐसे ही बिठाना पड़ेगा। एक तरीका हमारे पास में ये हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वन, अगर हम फाइव से यहाँ पर स्टार्ट करें, तो देखिए वन और फाइव से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद में जो अगला हमारे पास में एलिमेंट होगा, यहाँ पर हमारे पास में टू भी बिठा सकते हैं, थ्री भी बिठा सकते हैं, तो टू अगर मैं बिठाता हूँ तो थ्री फोर बचते हैं जो नहीं बैठ सकते हैं, थ्री अगर बिठाते हैं तो बचता है टू और फोर, तो टू और फोर दोनों यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे हम लोग सारे के सारे मैथड्स गिन लेंगे, टोटल जितने भी पॉसिबल हैं। जब इन सभी मैथड्स को हम गिनेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये टोटल हमें 14 पॉसिबल वेज मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाता है 7/60। तो टोटल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 7/60, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 मैट्रिक्स इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को तीन इक्वेशंस दी गई हैं और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस को भी हमें चेक करना पड़ेगा अलग अलग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो तीन इक्वेशंस हम लोगों को दी गई हैं वो हैं -x + 2y + 5z = b1, 2x - 4y + 3z = b2, x - 2y + 2z = b3। हमें ये कहा गया है कि इन तीनों इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर इन तीनों इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके कोफिशिएंट से बनने वाली जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू के बारे में हम लोग अगर जज करें सबसे पहले, तो वो है -1, 2, 5, 2 - 4, 3, 1 - 2 and 2। अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये आती है -1 - -8 + 6 यानी -2, -2 - 4 - 3 + 1 + 5 - -4 + 4 = 0, दैट इज 0। तो जैसा हमें नज़र आ रहा है कि इन तीनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट से बनने वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इनका कम से कम एक सॉल्यूशन है तो फिर सीधे हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और d1, d2 और d3, ये जो तीन डिटर्मिनेंट्स होती है क्रैमर रूल की, उसकी वैल्यू भी 0 होगी। क्रैमर रूल में इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट d बोलते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम आप कह सकते हैं कि d1, d2, d3 की वैल्यू भी 0 होगी। अगर d1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो वो है b1, b2, b3, 2 - 4 - 2, 5, 3, 2, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू को हम लोग 0 लिखते हैं तो देखिए ये आता है b1 - 8 + 6 - 2 - 2 - b2 - 4 + 10 = 14 b2 + b3 - 6 + 20 = 0। तो हमें b1, b2, b3 में एक रिलेशन मिलता है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि 13b3 की जो वैल्यू है वो b1 + 7b2 के बराबर होगी। ये b1, b2, b3 में एक रिलेशन हमें मिलता है। अब देखें हमें एक एक करके ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। हमसे कहा गया है कि जितनी भी हमें हर ऑप्शन में तीन तीन इक्वेशंस दी गई हैं और पूछा गया है कि इन तीनों इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन है या नहीं है, प्रोवाइडेड ये इन्फॉर्मेशन या ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती हो, यानी b1, b2, b3 में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तब हम लोगों को ऑप्शंस को चेक करना है। देखिए अगर हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करें, तीनों जो इक्वेशंस हमको दी गई हैं तो उन इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रैमर रूल के थ्रू कोफिशिएंट से बनने वाली डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें, वो है 1, 2, 3
0, 4, 5 एंड 1, 2, 6. अगर हम इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें तो ये है 1 इंटू 24 माइनस 10 14 प्लस 1 इंटू 10 माइनस 12 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 12. चूंकि d हमारे पास 0 के बराबर नहीं है तो क्रैमर रूल से मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन तो जरूर से होगा. तो ए ऑप्शन हमारे पास में सही ऑप्शन हुआ. अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में भी हम लोगों को तीन इक्वेशन दी गई हैं. उन तीनों इक्वेशन में भी हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू आती है हमारे पास में 1, 1, 3, 5, 2, 6 एंड -2, -1 एंड -3. अगर इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये आता है हमारे पास में -6 + 6 = -1 × -15 + 12 - 3 + 3 × -5 + 4 - 1. तो ये हमारे पास में 0 आता है. सेकेंड ऑप्शन में d इक्वल टू 0 आता है तो हमें d1, d2 और d3 को भी चेक करना होगा. और d1, d2, d3 को चेक करने के बाद बता पाएंगे कि इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे. तो हम चाहें तो d1, d2, d3 को चेक कर सकते हैं और हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन में जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं जैसे थर्ड इक्वेशन में हम b3 की वैल्यू को यहाँ से रखें और फिर चेक करें कि क्या थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड के किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है. जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे यानी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे थर्ड को तो देखिए हम कैसे करें. एक बार मैं करके आपको बता देता हूँ. देखिए मान लेते हैं कि पहला हमारे पास में पहली इक्वेशन जो है वो है प्लेन x + y + 3z = b1 के. सेकंड प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास में 5x + 2y + 6z = b2 के. और p3 की इक्वेशन है हमारे पास में -2x - y - 3z = b3 के. हमें चेक करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है. हम d की वैल्यू चेक कर चुके हैं और वो हमारे पास 0 आई है. तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये चेक करेंगे कि क्या इसको ज्योमेट्रिकली हम सोच इस प्रकार से सोच सकते हैं कि चूंकि d 0 है अब इन तीनों प्लेन्स के या इन तीनों प्लेन का इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे? अगर ये तीनों प्लेन्स की कोई कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. तो इसका मतलब ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जैसे P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन P3 होना चाहिए. तो हम अगर P3 की इक्वेशन को देखें तो वो होनी चाहिए P1 + λ × P2 के बराबर, जहाँ पे लेमडा कोई रियल नंबर होगा. तो -2x - y - 3z - b3 शुड बी इक्वल टू P1 दैट इज x + y + 3z - b1 + λ × P2 दैट इज 5x + 2y + 6z - b2 इसके बराबर होगा. तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या ये संभव है. देखिए अगर मैं x के कोफिशेंट को दोनों तरफ कंपेयर करूँ तो 5λ + 1 शुड बी इक्वल टू -2. यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिलती है -3/5. और अगर मैं y के कोफिशेंट को कंपेयर करूँ तो यहाँ से मिलता है 2λ + 1 = -1, यानी लैम्डा मिलता है -1. चूंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हम P3 को P1 और P2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इसका मतलब इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा. इसी प्रकार से हम ऑप्शन नंबर थर्ड को चेक कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर फोर्थ को भी हम लोग बिल्कुल इसी प्रकार से चेक कर लेंगे. अगर किसी भी ऑप्शन में डी की वैल्यू हमारे पास में नॉन जीरो आती है, इसका मतलब ये होगा कि उस सिस्टम का डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा. और अगर डी की वैल्यू जीरो आती है तो हमें इस प्रकार से, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर बी में चेक किया है, हम चेक कर लेंगे कि क्या P3 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 एंड P2 में रिप्रेजेंट हो सकता है या नहीं. अगर हो सकता है तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर हो सकता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं होगा.
तो इस तरह से चेक करने पे हमें पहला और चौथा ऑप्शन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th, देखिए क्वेश्चन नंबर 18th में हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल हो और जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 यूज़ करना अलाउड है और रिपीटेशन ऑफ डिजिट भी अलाउड है। देखिए हम लोग जानते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट ये होता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि 1, 2, 3, 4 और 5 के को यूज़ करके हम ये सोचते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट्स क्या क्या हो सकती है जिससे कि वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो। तो देखिए हम इस तरह से चेक करें कि क्या 1, 1 4 से डिविजिबल है, नहीं। 1, 2 हाँ, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है 1, 2। 1, 3 ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 1, 4 ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 1, 5 ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 2, 1 ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 2, 2 नहीं है। 2, 3 नहीं है। 2, 4 4 से डिविजिबल है। 2, 5 4 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे हम लोग सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं तो 3, 1 फिर 3, 2 3, 4 3, 5 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 तो कुल मिला के हमें पता लगता है कि केवल 5 कॉम्बिनेशन हैं जो हम ले सकते हैं। तो अगर हम लोग अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स पता करें तो देखो हम क्या कह सकते हैं कि शुरू की जो पहली दूसरी तीसरी डिजिट है वो हम इन 5ों में से कोई भी ले सकते हैं। तो वो हो गया 5 into 5 पहली डिजिट को भरने के तरीके 5, दूसरे के लिए भी 5 तरीके, तीसरे के लिए भी 5 तरीके और लास्ट की 2 डिजिट को हम इन 5ों में से कोई एक लेंगे। तो ये 5 की पावर 4 होता है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th, देखिए क्वेश्चन नंबर 19th में हमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स जो कि थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें हम 3 ही एलिमेंट हैं -1, 0 और 1 वो यूज़ कर सकते हैं। तो उस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की। देखिए ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल का ही क्वेश्चन है। हम लोग अलग अलग कई प्रकार से मैट्रिक्स बना करके देखेंगे और उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम जब कई सारी मैट्रिक्स इस प्रकार की बनाएंगे और उनसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मैक्सिमम जो पॉसिबल, जैसे मैं कुछ मैट्रिक्स इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जैसे मान लीजिए कि 1, 1, 1 यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर 1, 1 यहाँ पे 0 यूज़ कर लेते हैं, एक -1, 1, 1 यूज़ करते हैं। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं तो देखिए ये होती है 1 into 1 -1 into 1 +1 into 2। तो इस डिटर्मिनेंट की, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको 2 मिल रही है। थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके हम इसमें कुछ इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो से हम लोग यहाँ पे -1 लिख दें तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इसकी इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए क्या होगी, बस एक यहाँ पर हमारे पास में +1 आ जाएगा या फिर वापस से एक बार पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये होगा 1 into 1 +1 into 1 और +1 into 1 +1 2 अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आती है 4। तो हम कई बार जब इस तरह से करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 4 से ज़्यादा किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आई है तो क्वेश्चन का आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 अगेन एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एक पैचता कॉलम हम लोगों को दिया गया है जिसमें हमें सबसे पहले ये कहा गया है कि 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स एक स्कूल में अवेलेबल हैं जिससे हमें एक कमेटी को बनाना है। अलग अलग हम लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें हमें अलग अलग तरीके से उस कमेटी को बनाने के बारे में कहा गया है। तो हम एक एक करके चीज़ों को चेक करते हैं। देखिए हमें पहले जो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है उसमें ये कह रखा है कि अल्फा 1 टोटल नंबर ऑफ वेज हैं उस कमेटी को बनाने के जिसमें 5 मेंबर हों और उस कमेटी में 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो काफ़ी सिंपल सा है, 6 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है और 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। तो अल्फा 1 हमारे पास होता है 20 into 10 यानी 200। सेकेंड में हमें कहा गया है कि अल्फा 2 इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज़ एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स।
हमें कहा गया है कि कमेटी में कम दो लोग होने चाहिए और बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी इन इक्वल नंबर। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे ऐसा हो सकता है कि हम एक गर्ल और एक बॉय को लेकर के कमेटी बनाएं, उसके तरीके होंगे 6C1 × 5C1। हम दोनों दो बॉयज़ और दो गर्ल्स को लेकर कमेटी बनाएं 6C2 × 5C2। तीन गर्ल्स और तीन बॉयज़ को लेकर कमेटी बनाएं, चार गर्ल्स और चार बॉयज़ को लेकर कमेटी बनाएं, या पाँच बॉयज़ और पाँच गर्ल्स को लेकर कमेटी बनाएं। ये हमारे पास में टोटल तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के। तो अगर हम इसको गिनते हैं तो देखिए ये हमारे पास में हो जाता है 30 + 150 + 200 + 75 + 6। अल्टीमेटली अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये हमें मिलता है 461। अल्फा थ्री के बारे में जज करते हैं। अल्फा थ्री में हमें कहा गया है कि एक ऐसी कमेटी है जिसमें पांच मेंबर्स हैं, जिसमें कम से कम दो गर्ल्स होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला तरीका हो सकता है कि हम दो गर्ल्स ले लें और तीन बॉयज़ ले लें। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम तीन गर्ल्स ले लें, दो बॉयज़ ले लें। चौथा तरीका हो सकता है हम चार गर्ल्स ले लें, एक बॉय ले लें। और चौथा तरीका हो सकता है कि हम पांचों गर्ल्स ले लें। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल तरीके हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये होता है हमारे पास में 150 प्लस, अगेन ये होता है हमारे पास में, सॉरी ये होता है हमारे पास में 200, ये होता है हमारे पास में 150, ये हो गया हमारे पास में 30 और ये हो गया 1। तो ये हमारे पास में होता है 381। अल्फा फोर की अगर मैं बात करता हूँ तो अल्फा फोर में हमें कहा गया है कि एक ऐसी कमेटी है जिसमें चार मेंबर्स हैं, जिसमें कम से कम दो गर्ल्स होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक कंडीशन हमें और भी दी गई है कि M1 और G1 एक ही कमेटी में एक साथ नहीं होने चाहिए। देखिए हम ये कैसे कैलकुलेट करें इसको देखते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले हम तरीका देखते हैं कि दो गर्ल्स कम से कम होनी चाहिए। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि हम दो गर्ल्स सेलेक्ट करते और छः बॉयज़ में से हम दो बॉयज़ सेलेक्ट करते, ये दो लड़कियों और दो लड़कों से बनने वाली कमेटी हो गई। परंतु इनमें कुछ तरीके वो भी होंगे जिसमें M1 और G1 भी इंक्लूड हुए होंगे, तो हम इन तरीकों में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसमें M1 और G1 इंक्लूडेड है। तो अगर M1 और G1 इंक्लूडेड है तो इसका मतलब होगा कि बचे हुए चार गर्ल्स में से हमने एक गर्ल सेलेक्ट की होगी और बचे हुए पांच बॉय में से हमने एक बॉय को सेलेक्ट किया होगा। ऐसे ही अब जाते हैं हम उस तरीकों पे जिसमें हम तीन गर्ल्स और एक बॉय से कमेटी बनाएंगे। तो तीन गर्ल्स, पांच में से तीन गर्ल्स सेलेक्ट की और छह बॉयज़ में से हमने एक बॉय सेलेक्ट किया। अब इनमें से भी उन तरीकों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसमें M1 और G1 इंक्लूडेड हैं। तो M1 अगर और G1 अगर इंक्लूडेड हैं तो देखिए क्या होगा कि जो बची हुई चार लड़कियां हैं उनमें से हमने दो लड़कियों को सेलेक्ट किया होगा और बचे हुए पांचों लड़के में से हमने किसी भी लड़के को सेलेक्ट नहीं किया होगा। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम चारों लड़कियों से ही ग्रुप बनाएं, तो उसके तरीके होंगे हमारे पास 5C4। इसमें किसी भी मेथड को सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि M1 तो इसमें इंक्लूड हो ही नहीं सकता। अब अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो देखिए ये हमारे पास होता है 15 × 10 = 150 + 60 - 6 + 5। तो अल्टीमेटली ये हो जाता है हमारे पास में 130 + 54 + 5, दैट इज 189। ओके, तो अगर इस बेसिस पर हम ऑप्शन देखें तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, जो पी को मैच करा रहा है, अल्फा वन को मैच करा रहा है 200 से, क्यू को मैच करा रहा है 6th यानी 461 से, आर को मैच करा रहा है 5 यानी 381 से, और एस को मैच करा रहा है 2 यानी 189 से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को ये कहा गया है कि तीन बैग हैं B1, B2 और B3, जिनमें कुछ ग्रीन और रेड कलर की बॉल्स रखी हुई हैं। B1, B2 और B3 को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी हमें दी गई हैं, और अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग प्रकार की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21, हम लोग सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हर बैग में कितनी बॉल्स हैं, इससे हमारा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता या गलती होने की संभावना ख़त्म हो जाती है। 5 रेड बॉल्स और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। B2 जो बैग है उसमें हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। B3 जो बैग है, B3 बैग में हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। इनकी सेलेक्ट करने की जो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो है 3/10, 3/10 एंड 4/10। एक एक करके आप ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन में हमें कहा गया है कि अगर हम एक रैंडमली बैग सेलेक्ट करते हैं और फिर उससे एक बॉल निकालते हैं तो वो बॉल ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले बैग 1 सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/10, और बैग फर्स्ट से बॉल निकालेंगे तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/10, प्लस सेकेंड बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 और उससे बॉल निकालने पर उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 5/10, 5/8। तीसरा बैग सेलेक्ट करने की प्रायोरिटी 4/10 और उस बैग से बॉल निकालने पर उसकी ग्रीन होने की प्रायोरिटी 3/8। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ये 1/2 है, अगर हम इसको 4/8 लिख देते हैं तो ये काफ़ी ईजी कैलकुलेशन इसमें हो जाएगी। ये 80 लिखते हैं तो ये हो गया 12 + 15 + 12। ये छोटी सी बात थी एक, लेकिन ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजीली हमें नज़र आती है। तो देखिए, हो गया 24 × 15 = 29, 39/80। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमें कहा गया है कि अगर सेलेक्टेड बॉल ग्रीन है या सेलेक्टेड बैग B3 है तो बॉल के ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है कि सेलेक्टेड बैग अगर B3 है तो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ग्रीन होगी, इसकी क्या प्रॉबिलिटी है। देखिए, तो सिंपल सा है कि B3 बैग को हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तब ग्रीन बॉल निकलने की प्रॉबिलिटी है 3/8। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि प्रॉबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चूजल बॉल इज ग्रीन। हमसे इस बात की प्रॉबिलिटी पूछी गई है कि B3 बैग सेलेक्ट हो और साथ में ग्रीन बॉल भी सेलेक्ट हो, यानी कि B3 बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/10 × ग्रीन बैग बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/8। तो ये हमारे पास में इक्वल होता है 2 × 3/6 / 5 × 3/20 के, जो कि थर्ड ऑप्शन के बराबर नहीं है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत है। चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथे ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि सेलेक्टेड बैग B3 है एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन। यही ऑप्शन, यानी कि हमसे एक ही जो चौथे थर्ड ऑप्शन में कहा था वही कहा है, लेकिन वो भी चौथा ऑप्शन भी 3/20 के बराबर नहीं है, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक मैट्रिक्स M दे रखी है और उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स भी हमें दी गई है। A और B रियल नंबर्स हैं, अलग अलग कुछ ऑप्शंस हमें चेक करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले M मैट्रिक्स हमें दी गई है 0, 1, 3, 1, 2, B और A, 3, 1। अगर हम इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना चाहें तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हम हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसके कोफैक्टर निकालें, 0 का कोफैक्टर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 − 3B, 1 का कोफैक्टर हमें नज़र आ रहा है 1 − 9 − 8 तो +8, A का कोफैक्टर नज़र आ रहा है हमें B − 6, फिर इस 1 का कोफैक्टर नज़र आ रहा है हमें 1 − AB तो AB − 1, 2 का कोफैक्टर हमें नज़र आ रहा है 0 − 3A, 3 का कोफैक्टर हमें नज़र आ रहा है 0 − 3 + 3,
थ्री का कोफैक्टर नज़र आ रहा है 3 - 2a, बी का कोफैक्टर नज़र आ रहा है 0 - a तो प्लस ए, वन का कोफैक्टर में नज़र आ रहा है 2 - 1 - 1, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो ये हमारे पास हो जाता है 2 - 3b, 8b - 6, ab - 1 - 3a, 2 - 3b, 8b - 6, ab - 1 - 3a, 3 - 2a, a - 1, और ये हमें क्वेश्चन में दिया भी गया है -1 + 1 - 1, 8 - 6 - 2, -5 - 3 and -1। अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो देखिए हम कह सकते हैं कि b माइनस सिक्स की वैल्यू -5 होगी, तो यहाँ से b हमारे को मिल जाता है 1। हम कह सकते हैं 3 - 2a की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ से हमें a मिल जाता है 2। और भी एलिमेंट्स को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं तो वो मैच हमें करते हुए मिलेंगे। तो a और b की हमें वैल्यू मिल गई, तो a प्लस बी 3 आ गया, तो सिंपल पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है। इसके बाद में हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकालना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ m को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट m की वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं -1 - 3 - 8 + a - b - 6। a और b की वैल्यू हम लोग इसके अंदर रख देंगे, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास हो जाता है -2। तो डिटर्मिनेंट m की वैल्यू -2 है, तो उस बेसिस पर अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकाले, तो देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि m स्क्वायर मैट्रिक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि m एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, और इसको अगेन बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट m की पावर 4 यानी -2 की पावर 4 यानी 16। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में हमें एडजॉइंट ऑफ m का इन्वर्स और एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स के बारे में बात करनी है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स को। एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोगों ने हमारे पास हमें दी गई है, उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स हमें निकालनी है, तो देखिए हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ m ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। इस मैट्रिक्स को माइनस m के बराबर ये है या नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स का इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। ओके तो स्टार्ट एक मिनट वापस से देखते हैं इसको हम। देखिए हमारे पास में एडजॉइंट मैट्रिक्स थी जो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई है, और उसका इनवर्स मैट्रिक्स हमें निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ m का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। वो होगा डिटर्मिनेंट m की पावर 2 दैट इज 4, और उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स जो हम लोगों को दी गई है विच इज -1, 8 - 5, 1 - 6, 3 - 1, 2 and - 1, इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उसको इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। तो देखिए -1 का जो कोफैक्टर है वो हमारे पास इक्वल होगा 6 - 6 - 0, 1 का कोफैक्टर होगा -8 + 10 - 2, -1 का कोफैक्टर होगा 24 + -30 - 6, 8 का कोफैक्टर होगा -1 + 3 - 1 + 3 - 2 - 2, -6 का कोफैक्टर होगा +1 - 5 - 4, 2 का कोफैक्टर होगा -3 + 5 - 2 - 5 का कोफैक्टर होगा 2 - 6 - 4, 3 का कोफैक्टर होगा -2 + 8 - 6 - 6, और -1 का कोफैक्टर होगा हमारे पास 6 - 8 - 2, इसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ये हमने सबके कोफैक्टर निकाले हैं।
डिवाइडेड बाय, हमें इसी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा विच इज़ 4. तो देखिए ये हमारे पास होता है 0 -2 -6 -2 -4 -2 -4 -6 -2 / 4. हम इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो जैसे ही हम लोग 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 0 -1 -3 -1 -2 -1 -2 -3 और -1. देखिए यहाँ से हम लोग एक माइनस भी सभी जगह से कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो माइनस भी हमारे पास बाहर आ जाता है. अब देखिए a की वैल्यू और b की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो b की वैल्यू थी 1 और a की वैल्यू थी हमारे पास में 2. तो इस मैट्रिक्स को अगर इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो देखिए 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास में जो मैट्रिक्स आई है वो m है. तो एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स ये हमारे पास में माइनस ऑफ हाफ m इस मैट्रिक्स के बराबर है. अगर हम लोग इसी ऑप्शन के लिए अगले पोर्शन की बात करें तो अगले पोर्शन में हमारे पास में हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इस मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है. हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के बराबर होगी, तो ये भी माइनस ऑफ हाफ एम के बराबर है. तो अगर मैं इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को जोड़ता हूँ तो ये माइनस एम आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 4th की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4th में देखिए हम लोगों को दिया गया है हमें कहा गया है कि m इंटू अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 1 2 3. तो m की वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें तो 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 1 2 3 होना चाहिए. ठीक है, देखिए इस मैट्रिक्स, ये m है, ये x है और ये b मैट्रिक्स है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू एम इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स होगा. एम इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और एम इनवर्स के लिए हम लोग बोलेंगे कि एम इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम. ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. एडजॉइंट ऑफ एम हमारे पास में था -1. अब सीधे सीधे हम लोग एम इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एम इनवर्स इंटू बी ये हो गया एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू मैट्रिक्स बी, दैट इज 1/-2. एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोगों के पास में है एडजॉइंट एम -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1 इंटू बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स हम लोगों के पास में है 1 2 3. मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में -1 + 2 - 3 8 - 12 + 6 - 5 + 6 - 3, दैट इज ये हो जाता है हमारे पास में -4 + 2 - 2 और -2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 2/-1 - 2/-2 + 1. और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास में है मैट्रिक्स एक्स जो कि है अल्फा बीटा गामा, तो सीधे यहाँ से कंपेयर करके बोल सकते हैं कि अल्फा 1 होगा, बीटा -1 होगा और गामा +1 होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 होगी, तो ऑप्शन नंबर 4th भी करेक्ट ऑप्शन है. तो 1st, 3rd and 4th आर द करेक्ट ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों को P1, P2, P3 इस तरह से 6 मैट्रिक्स दे रखी है और साथ में एक मैट्रिक्स एक्स और दी गई है. अलग अलग प्रकार के कई ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमें एक एक करके ऑप्शंस को वेरीफाई करना पड़ेगा. तो देखिए हम सबसे पहले क्या है कि ये जो मैट्रिक्स एक्स में दे रखी है 2 1 3 1 0 2 और 3 2 1, इस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस से कि इसका नाम है मैट्रिक्स ए. तो एक्स हमारे पास में है
सिग्मा के इक्वल टू वन टू सिक्स पी के इंटू ए इंटू पी के ट्रांसपोज। देखिए हम सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमें कहा गया है कि एक्स एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने एक्स का ट्रांसपोज किया के इक्वल टू वन टू सिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। हम जानते हैं कि ए बी ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया, तो ये आता है हमारे पास में के इक्वल टू वन टू सिक्स पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी पी के ए ट्रांसपोज। देखिए ए हमारे पास एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं और ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, तो चूंकि एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ए ट्रांसपोज को मैं ए ही लिख सकता हूँ एंड देन अगेन पी के ट्रांसपोज। तो देखिए ये हमारे पास में एग्जैक्टली सेम आ रहा है एक्स के, तो हम यहां से कह सकते हैं कि एक्स एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन नंबर टू तो करेक्ट होता है। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की जिसमें हमसे कहा गया है कि एक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम यानी एक्स का ट्रेस 18 होगा। देखिए अगर हम एक्स को एक्सपेंड करके लिखें तो एक्स हमारे पास में है पी वन इंटू ए इंटू पी वन ट्रांसपोज प्लस पी टू इंटू ए इंटू पी टू ट्रांसपोज और ऐसे हमारे पास में पी सिक्स इंटू ए इंटू पी सिक्स ट्रांसपोज के बराबर है। देखिए हम एक एलिमेंट को कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ। पी वन आप ध्यान से देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, ये भी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास में ए ही बन जाता है। तो जब हम लोग एक्स में जब हम एक्स का ट्रेस निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि उसे हम बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ इन सभी एलिमेंट्स का सम यानी ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ पी टू इंटू ए इंटू पी टू ट्रांसपोज एंड सो ऑन। अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखें तो वो हमें दिख रहा है 2+1 यानी कि 3। इसी तरह से हम इन सभी एलिमेंट्स का ट्रेस निकाल लेंगे और वो सभी जगह हमें 3 मिलेगा, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर होगा 3 × 6 यानी कि 18। तो पहला ऑप्शन भी हमको सही मिलता है। तीसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं। देखिए तीसरे ऑप्शन के लिए मैं सबसे पहले ये जो कॉलम मैट्रिक्स हमें दी गई है 1 1 1 इसको कुछ नाम दे रहा हूँ। ऐसा नाम देने से कई बार हमें क्वेश्चन काफ़ी इजीली दिखाई देने लगता है, इसको हमने बी मैट्रिक्स नाम दिया। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में हमें कहा जा रहा है कि एक्स इंटू बी इक्वल टू अल्फा इंटू 1 1 1 इस प्रकार से होगा, तो हम लोग इसके लिए एक्स इंटू बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए एक्स को अगर मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा पी वन इंटू ए इंटू पी वन ट्रांसपोज इंटू बी प्लस पी टू इंटू ए इंटू पी टू ट्रांसपोज इंटू बी, इसी तरह से पी सिक्स इंटू ए इंटू पी सिक्स ट्रांसपोज इंटू बी। अगेन देखिए यहाँ पर पी वन ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये हमारे पास में अल्टीमेटली ए इंटू बी मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है। इसी प्रकार से हम इन एलिमेंट्स को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। जब हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मैट्रिक्स हमारे पास में है 2 1 3 1 0 2 और 3 2 1 इंटू बी मैट्रिक्स हमारे पास में है 1 1 1 एंड सो ऑन। तो जब हम लोग इस कैलकुलेशन को करेंगे और उसके बाद इन सभी एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में फाइनली हम लोगों को जो डेटा मिलेगा वो हमें मिलेगा, मैं एक एलिमेंट आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। तो देखिए ये होगा 2 + 1 + 3 यानी 6, फिर 1 + 0 + 2 यानी 3, फिर 3 + 2 + 1 यानी 6, ये एलिमेंट हमें मिल रहा है। ऐसे हम लोगों को अलग अलग कॉलम मैट्रिक्स मिलेंगी, तो टोटल हमको यहाँ पर 6 कॉलम मैट्रिक्स मिलेंगी। जब हम उन सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे पास में आएगी 30 30 एंड 30, जिसको हम लोग 30 × 1 1 1 इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 30 ही होगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो देखिए फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एक्स माइनस 30 आई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। देखिए यहीं से हम लोगों को थर्ड ऑप्शन से ये हमें मिला है कि एक्स इंटू बी इक्वल टू 30 × i इस प्रकार का हमें मिला है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक्स माइनस थर्टी आई या एक्स इंटू बी इक्वल्स टू
30 इंटू आई हमें अगर मिलता है तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि x माइनस 30 आई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी ये हम लोगों को चेक करना है। तो x इंटू बी इक्वल्स टू 30 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलती है। एक बार इस ऑप्शन को वापस से हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि x इंटू बी ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास में बराबर है 30 इंटू 111 इस मैट्रिक्स के बराबर, जहाँ पर x भी हमारे पास में और b भी हमारे पास में 111 मैट्रिक्स के ही बराबर था। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है यहाँ से। तो x माइनस 30i के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इंटू आई इक्वल टू 30 इंटू आई, दैट इज x माइनस 30i इन इक्वल्स टू व्हाट, नल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अगर इस मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास में एक नल मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू भी हमारे पास में ज़ीरो होगी। तो चूंकि ये, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है तो इसके इन्वर्स की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 30i एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4th गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें P और Q दो मैट्रिक्स दे रखी है और R भी P और Q के टर्म्स में दिया गया है। अलग अलग ऑप्शंस को हमें चेक करना है, तो एक एक करके हम लोग चेक कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में हमें चेक करना है कि PQ और QP क्या एक दूसरे के बराबर हैं या क्या X की किसी वैल्यू पर ऐसा हो सकता है। तो हमें दोनों तरफ को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 111 022 003 इंटू 2XX 040 XX6 इक्वल टू 2XX 040 XX6 इंटू 111 022 003। मैंने मल्टीप्लाई करें, रो टू कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया हमारे पास में 2 प्लस एक्स, फिर हमारे पास में आता है X प्लस 4 प्लस एक्स, फिर आता है x प्लस 6। इधर हम लोग कुछ एलिमेंट्स को वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, मैं इन दोनों को पूरी तरह से इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एलिमेंट्स को कंपेयर करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो उससे पता लग जाएगा कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी पॉसिबल होता हुआ दिखेगा तो हम फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर ये आता है हमारे पास में 2 प्लस 2x, फिर ये आता है हमारे पास में 2 प्लस 2x प्लस 3x यानी कि 5x। देखिए अगर हम इन्हीं अभी फिलहाल जो एलिमेंट मिला है उन्हीं के कंपेयर करें तो इसे और इसे कंपेयर करने में पता लग रहा है कि x 0 है, और इसे कंपेयर करने पर पता लग रहा है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि PQ और QP एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेकंड ऑप्शन के लिए हम लोगों को R के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब R के डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन के लिए हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं। हमें R दिया गया है P इंटू Q इंटू P इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ R होगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स। डिटर्मिनेंट P और डिटर्मिनेंट P इनवर्स मल्टीप्लाई आपके 1 हो जाएंगे, तो ये बचेगा केवल और केवल डिटर्मिनेंट ऑफ Q, यानी कि 2XX 040 XX6। इस डिटर्मिनेंट को हमें देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर 3rd में राइट हैंड साइड भी एक डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में ही है, तो ये बेटर होगा कि हम इसे एक्सपेंड ना करें बल्कि इसी को जो राइट हैंड साइड दे रखा है 3rd ऑप्शन में उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें। देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास में जो 3rd ऑप्शन का राइट हैंड साइड में पहला पोर्शन है उसके बराबर है, और इसे हम कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 8। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3rd पे बढ़ें, जिसमें R को जिसमें हमें कहा गया कि x अगर 0 है तब हमसे कुछ बात कही जा रही है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर x 0 है तो डिटर्मिनेंट R की वैल्यू क्या है वो हम यहीं से निकाल सकते हैं। x को हम 0 लेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू बनती है 2 इंटू 20
फिर बाकी सारा जीरो हो जाएगा हमारे पास में, यानी उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ प्लस 8, ये भी हमारे पास में एक टर्म है, तो ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 48। ओके, अब देखते हैं आर इंटू वन ए बी, आर इंटू, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर हम लोगों के पास में है पी इंटू क्यू इंटू पी इनवर्स। तो देखें, अगर हमारे पास में x 0 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p 1 1 1, 0 2 2, 0 0 3, x को 0 लेते हुए चल रहे हैं हम लोग, तो q हमारे पास में हो जाएगा 2 0 0, 0 4 0, 0 0 6, और p इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो p इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ p अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ p। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी की अगर मैं बात करूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी हम क्लियरली कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 6 है, और एडजॉइंट ऑफ पी निकालने के लिए हम सभी के कोफैक्टर देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स बी पी में हम लोग सब एलिमेंट का कोफैक्टर देख रहे हैं, तो 1 का कोफैक्टर है हमारे पास 6, नेक्स्ट 1 का कोफैक्टर है हमारे पास में 0, नेक्स्ट 1 का कोफैक्टर है हमारे पास में अगेन 0, फिर 0 का जो कोफैक्टर है वो हमारे पास में होगा -3, फिर नेक्स्ट 2 का जो कोफैक्टर है वो हमारे पास में होगा 3, फिर अगले 2 का जो कोफैक्टर है वो हमारे पास में होगा 0, 0 का कोफैक्टर होगा हमारे पास में 0, 0 का कोफैक्टर होगा हमारे पास में -2, 3 का कोफैक्टर होगा हमारे पास में 2, और इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है। देखिए, ये हो गया 1/6, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है, देखिए 2, फिर 0, 4, फिर हमें मिल रहा है 0 0 एंड 6, फिर 0 0 एंड 0, 0 8, फिर 0 0 एंड 12, 0 0 एंड 0, 0 0 एंड 0, 0 0 एंड 18, और इसका ट्रांसपोज लेने पर हमें मिलता है 6 0 0, -3 3 एंड 0, 0 -2 एंड 2। इन्हें फर्दर अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 12 प्लस 6, 0 -8 प्लस 12, 4, फिर हमें मिलता है 0 0 एंड 0, 0 0 0, 24, फिर हमें मिलता है 0 -16 प्लस 24, 8, 0 0 एंड 0, 0 0 एंड 0, 0 0 एंड 36, 6 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है 200 140, 2/3, 4/3 एंड 6। इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स आर मिलती है। देखिए, अब फर्दर अगर हम लोग हमें ऑप्शन नंबर 3 को एनालिसिस करें तो उसमें ये कहा गया है कि आर इंटू 1AB एक कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू 6 इंटू 1AB के बराबर होगा। अगर मैं 1AB इस मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स कह दूं, तो यहां से हमें मिल रहा है कि R-6i इंटू मैट्रिक्स B इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, इस तरह से हमें कहा जा रहा है। तो R-6i की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग R-6i को देखिए लिख सकते हैं 2-6 -4, 4-6 यानी -2, और 6-6 मतलब 0, बाकी सब एलिमेंट वही रहेंगे हमारे पास, इंटू बी यानी कि 1AB इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। ये कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी हमें राइट हैंड साइड पर। देखिए, से हम फर्दर प्रोसीड करें तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि -4 + a + 2/3b, इसकी वैल्यू 0 होगी,
जीरो माइनस टू ए प्लस फोर बाई थ्री बी, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी और जीरो जीरो, बाकी कोई हमें वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू टू बी बाई थ्री होगा। इस डेटा को उठाकर हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस टू बी बाई थ्री प्लस टू बी बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो, दैट इज़ फोर बी बाई थ्री इक्वल टू फोर, दैट इज़ b इक्वल टू थ्री। अब b इक्वल टू थ्री है तो a इक्वल टू हमारे पास में हो जाता है टू, तो a प्लस बी हो जाएगा फाइव, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमें कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो r और अल्फा बीटा गामा कॉलम मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हमारे पास में 1 है, ठीक है, तो x की वैल्यू के 1 होने पर, x की वैल्यू के 1 होने पर डिटर्मिनेंट ऑफ r की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं 211040115 प्लस 8 से। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है प्लस 4 इंटू 10 माइनस 1 9 प्लस 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब देखिए जब हम लोगों को ये कहा गया है कि r इंटू एल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू 0 0 एंड 0, इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। देखिए हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं अगर मैं इस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स नाम दूँ, से फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ मैट्रिक्स x, तो ये हमारे पास आ रहा है r इंटू एक्स इक्वल्स टू ओ। अब हम जानते हैं कि r इंटू एक्स मैट्रिक्स के ओ होने के लिए ये ज़रूरी है, अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो इन ये तभी हो सकता है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये तभी हो सकता है जब x के, जब r या तो नल मैट्रिक्स हो हमारे पास में जो कि नहीं है, या फिर x इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स हो जिसको r से मल्टीप्लाई करने पे नल मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम इस केस में ये कह सकते हैं ये तो तभी संभव होता जब अल्फा बीटा गामा या तो तीनों के तीनों ज़ीरो होते, या फिर जो मैट्रिक्स R है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स के बराबर होती है। लेकिन ना तो हम कह सकते हैं R भी यहाँ पर नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है और ना ही अल्फा बीटा गामा जीरो के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा अगर जीरो लेंगे तो अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप जीरो वैक्टर बन जाएगा, तो उसका मॉडुलस 1 नहीं आएगा, वो यूनिट वैक्टर नहीं रहेगा। एक बार फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो इक्वेशन दे रखी है उसे हम लोग सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगी जब या तो x हमारे पास में नल मैट्रिक्स होती, लेकिन वो हमारे पास नहीं संभव है क्योंकि x को नल मैट्रिक्स लेने पर वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा, या फिर r नल मैट्रिक्स होती वो भी यहाँ पे संभव नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों को 3×3 ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स 0 और 1 से बनाई जा सकती है उनका कलेक्शन को एक नाम दिया गया है S। E1 और E2 इवेंट डिफाइन किए गए हैं। अगर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो उस सेट ऑफ मैट्रिक्स को E1 नाम दिया गया है, और अगर सभी एलिमेंट्स का सम 7 है तो उस सेट ऑफ मैट्रिक्स का नाम E2 दिया गया है। ओके, अब हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 कितना होगा। देखिए हम सबसे पहले तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है A, या एक मैट्रिक्स हम लोगों के पास में है A जो कि है A B C D E F और G H I। देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग ये बात करें कि इस E2 इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए E2 में ये कहा गया है कि सभी एलिमेंट्स का सम 7 होना चाहिए, ये 9 एलिमेंट है और सभी या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। तो इन 9 एलिमेंट्स का सम 7 कब होगा, जब इन 9 में से 7 एलिमेंट 1 होंगे और 2 एलिमेंट 0 होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि ऐसी टोटल कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, तो हम कहेंगे कि 9 में से हम लोग 7 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उनको 1 भर देंगे, बाकी को हम लोग 0 से भर देंगे, तो ये हो जाएगा 9×8/2 यानी कि 36।
अब देखिए, चूंकि हमसे प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन E2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो हमें E1 के बारे में जनरल सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम E2 के अंदर रहते हुए ये सोच लेंगे कि कब कब E1 होगा, यानी हम सीधे E1 और E2 के इंटरसेक्शन केस की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 9 एलिमेंट का सम 7 तो हमेशा ही है, 7 1 है, 2 0 है इसमें से। अब E1 के लिए हमें क्या दिया गया है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो देखिए, अगर 9 एलिमेंट यहाँ भरे हैं जिसमें से 2 0 हैं बाकी 7 1 हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब दोनों 0 एक ही रो या एक ही कॉलम में प्रेजेंट हो। तो अगर मैं ये गिनना चाहूँ कि E1 और E2 में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, तो देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले वो दोनों 0, फर्स्ट मैंने तीनों रो में से कोई एक रो सेलेक्ट करी और उस रो में जो हमारे पास में 3 जगह हैं, उन 3 जगह में से मैंने 2 जगह सेलेक्ट करी जहाँ पर मैंने 0 को भर दिया, बाकी सब जगह मैंने 1 भर दिया। और ऐसा ही हम लोग कॉलम के लिए कर सकते हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास में होता है 18। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करूँ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अपॉन दिस। ये 36 है और ये 18 है, तो ये 1/2 यानी 0.5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कहा गया है कि मॉडुलस एक्स सेट एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में मॉडुलस एक्स को इस सिंबल के तौर पे यूज किया जाएगा। एस एक सेट है जिसमें हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 एलिमेंट प्रेजेंट है। नाउ हमें ये कहा गया है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं जो इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। हमें इस प्रकार से नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करने हैं, जिससे कि 1 <= B <= A के बराबर हो। देखिए, इस बात को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। ए और बी दोनों इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड इवेंट हैं। इसका मतलब ये है कि इन सैंपल पॉइंट्स में से कुछ सैंपल पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ सैंपल पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें ये कहा गई है कि जो बी है उस इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट कैन बी 1 or more than 1, यानी कि बी एक इम्पॉसिबल इवेंट नहीं हो सकता है। उस 6 में से कम एक सैंपल पॉइंट उसको ज़रूर से रिप्रेजेंट करेगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस क्वेश्चन में दी गई है वो ये है कि अगर बी को रिप्रेजेंट करने वाले सैंपल पॉइंट 3 हैं, तो ए को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट 3 से ज़्यादा ही होंगे, यानी कि 5, 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे। ओके, तो देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की अब कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर, चूँकि हमें ये कहा गया है कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। ए के होने या नहीं होने का बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नाउ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हमको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 6, तो ये हमारे पास में हो जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटू 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये एक इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। अब हम एक एक करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेते हुए चलेंगे। देखिए, पहले केस में मैंने माना कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी है वो मैंने मान लिया कि वो 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अब हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो 6 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। देखिए, इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग थोड़ा सा समझें। ये सैंपल स्पेस है जिसमें टोटल हमारे पास में 6 एलिमेंट्स हैं, ये बी है जिसमें हमारे पास में टोटल 1 एलिमेंट है। नाउ ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट को मैं यहाँ पर ए को, इसको मैं 1 से बड़ा मैं कुछ भी ले सकता हूँ। देखिए, अगर देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं यहाँ पर है, अगर हम नंबर इसको 2 लेते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2/6, जो संभव नहीं है। अगर मैं इसको 3 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3/6, वो अगेन संभव नहीं है। 4, 5,
सिक्स लेने पर, ये सबसे पहली बात, अगर इसको सिक्स लेते हैं हम लोग केवल और केवल, तभी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में सिक्स बाई सिक्स यानी वन आता है। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी आई कि ए जो है वो इस पूरे सैंपल स्पेस को कवर करे और दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे पास वन है, यानी ये एक कॉमन एलिमेंट है, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। इसी प्रकार से दूसरी पॉसिबिलिटी हम देखें, मान लेते हैं कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को टू मान के चले, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर टू है तो यहां से आता है सिक्स एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए इंटू बी को हम लोग लिखेंगे टू, तो यहां से आता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए अपॉन थ्री। अब देखते हैं ये पॉसिबिलिटी कब कब हो सकती है। एन ए जैसे हमें पता है कि एन बी से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो अगर हम सबसे पहले एन ए को तीन लिखें तो ये संभावना है यहाँ पर कि एन ए को तीन लेने पर एन ए इंटरसेक्शन जो बी है वो हमारे पास वन बन जाए, दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। फोर लेने पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन इंटीजर बन रहा है, फाइव लेने पे भी पॉसिबल नहीं है, और सिक्स लेने पर हमारे पास में एक फिर से पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इसे सिक्स लिया जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास दो एलिमेंट आ जाएंगे। एक दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें नज़र आई। ऐसे ही तीसरी केस को लिया जिसमें हम लोग एन बी को तीन लेके चल रहे हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसको अगर मैं तीन लिखता हूँ तो एन ए इंटरसेक्शन बी आता है एन ए डिवाइडेड बाय टू। अब देखिए यहाँ पर हम लेके चले एन ए को, तीन से बड़ा कुछ भी, फोर लेते हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में फोर बाई टू यानी टू आ जाता है, एक पॉसिबिलिटी। फाइव नहीं ले सकते, सिक्स लेते हैं अगर तो एन ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास में आ जाता है सिक्स बाई टू यानी थ्री। तो दीज आर टू पॉसिबिलिटी विच आर पॉसिबल हेयर। अगर मैं एन बी को फोर लेके चलता हूँ तो एन ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास में आता है फोर अपॉन सिक्स एन ए इंटू टू बाई थ्री। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको फाइव रखता हूँ तो भी ये पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं सिक्स रखता हूँ तो एन ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास आएगा फोर, जो कि एक पॉसिबल केस है। अगर मैं एन बी को फाइव लेके चलता हूं तो एन ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास आता है एन ए इंटू फाइव अपॉन सिक्स। अब देखिए यहां अगर मैं इसको सिक्स लेके चलता हूं तो ये हमारे पास में आ जाएगा फाइव, जो कि एक पॉसिबल केस है। एन बी को मैं सिक्स नहीं ले सकता हूँ क्योंकि एन ए उस केस में कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर हम लोग इस इन सभी केसेस के आधार पे टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज को फाइंड आउट करें तो देखिए वो होगा, एक एक केस को लेते हुए चलते हैं, इस केस को लेके चलते हैं। देखिए इस केस में हमारे पास में ए में छः एलिमेंट होने चाहिए, बी में वन एलिमेंट होने चाहिए और दोनों में एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हम सारे एलिमेंट ए को अलॉट कर देंगे और उन छः में से किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसको बी को अलॉट कर दिया जाएगा, इसमें अरेंजमेंट होने की कोई बात होगी ही नहीं। अगली बात हम करें, सेकेंड केस की बात करें, इस केस को देखते हैं। देखिए इस केस में हमारे पास में इस तरह से हो रहा है कि ए में तीन एलिमेंट हैं, बी में दो एलिमेंट हैं और कॉमन एलिमेंट है एक। इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहें तो देखिए ऐसे मैं समझा सकता हूँ इस पूरी बात को कि ये ए है जिसमें तीन एलिमेंट है, इस केस की हम बात कर रहे हैं, ए में तीन एलिमेंट हैं, ये हमारे पास बी है जिसमें टोटल दो एलिमेंट हैं और दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है। तो इस जगह पर एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट इस जगह पर हैं और एक एलिमेंट इस जगह पर है। तो देखिए इस केस को हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे कि हम सबसे पहले छः जो एलिमेंट है टोटल उनमें से चार एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर उन्हें इस ऑर्डर में अरेंज करना है, किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिया जा सकता है। तो हम उन्हें अरेंज करेंगे तो उसे अरेंज करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल टू। ये फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल टू इसलिए कहा जा रहा है, देखिए ये हो गया हमारे पास में फोर इंटू थ्री यानी ट्वेल्व मैथड्स। तो जो दो एलिमेंट हम लोग लेंगे उन जो चार एलिमेंट लेंगे उनमें से कोई भी दो यहाँ पर हम भर सकते हैं प्लस। अगर इस केस की बात करें तो देखिए इस केस में हमारे को हम कह सकते हैं कि हमें टोटल छः एलिमेंट लेने हैं तो सारे के सारे छः एलिमेंट हम लेंगे, पूरे छः हम ए को अलॉट कर देंगे और बी के पास हमारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए तो उन छः में से कोई दो एलिमेंट हम लेंगे जो कि बी को अलॉट कर दिए जाएंगे।
प्लस इस केस की बात करूं मैं, तो इस केस में हमारे पास में टोटल, देखिए ये इस केस को ऐसे समझाया जा सकता है कि ए में हमारे पास चार एलिमेंट है, बी में हमारे पास तीन एलिमेंट है और दो एलिमेंट कॉमन है। देखिए यहाँ दो एलिमेंट लिए, बी में टोटल तीन एलिमेंट होने हैं तो यहाँ एक, और ए में टोटल चार एलिमेंट होने हैं तो यहाँ दो। तो इसके लिए टोटल हम लोगों को पांच एलिमेंट लेने पड़ेंगे और उनको फैक्टोरियल 5 by factorial 2 और फैक्टोरियल 2 तरह से अरेंज किया जा सकता है। इस केस की बात करूं तो पूरे छह एलिमेंट हमने ए को दे दिए, उन छह में से किसी तीन एलिमेंट को हमने बी को दे दिया। फिर अगर मैं अगले केस की बात करूं तो अगले केस में हम लोग देखें तो हमने यहां पे भी छह में से चार एलिमेंट ही लेने हैं जो कि हम बी को अलॉट कर देंगे। फिर उसके अगले केस की बात करें तो इस केस को अगर हम देखें तो हमें फिर से छः में से पांच एलिमेंट लेने हैं जो हमें बी को अलॉट कर देना है। तो देखिए ये हो जाता है, अब हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया 6 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 180, ये हो जाता है हमारे पास में 15, ये हो जाता है हमारे पास में अगेन 180, 20, 15 और ये हो जाता है हमारे पास में 6। तो अगर हम इन्हें ऐड करें तो देखिए हमें मिलेगा 422। एक बार हम फर्दर इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो ये हमारे पास में होता है देखिए 5 और 5 = 422। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन, सर्कुलर परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक आ गया है कि ए बी सी डी और ई इस तरह से पाँच लोग हैं जो कि एक सर्कुलर सिस्टम में बैठे हैं और तीन कलर की हेड्स अवेलेबल है, रेड ब्लू एंड ग्रीन। हमें उन तीनों अलग अलग कलर की हेड्स को उन पांचों लोगों को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई भी दो एडजेसेंट बैठे हुए लोगों के पास में सेम कलर की हेड नहीं हो। तो देखिए हम किस तरह से ये कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन हेड का हम लोगों को यूज़ करना है। देखिए अगर हम पाँचों सेम कलर की हेड यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, चार सेम कलर की हेड भी यूज़ नहीं हो सकती, तीन सेम कलर की हेड भी यूज़ नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम हम सेम कलर की दो ही हेड यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमें इन तीनों कलर्स को 2, 2 and 1 के कॉम्बिनेशन में यूज़ करना होगा, यानी दो हेड्स हम लोग सेम कलर की लेंगे, दो दो हेड्स हम सेम कलर की लेंगे और एक हेड हम अलग कलर की लेंगे। यानी एक कहने का पर्पज़ ये हुआ कि हम रेड रेड ब्लू ब्लू और ग्रीन ये यूज़ कर सकते हैं, या रेड रेड ब्लू ग्रीन ग्रीन ये यूज़ कर सकते हैं, या रेड ब्लू ब्लू और ग्रीन ग्रीन ये यूज़ कर सकते हैं। ये तीन कॉम्बिनेशंस बॉल्स के यूज़ हो सकते हैं। अब देखिए हम अरेंज करते हैं, मान लेते हैं कि ये पांचों लोग इस प्रकार के ऑर्डर में बैठे हुए हैं, ये किसी भी प्रकार के ऑर्डर में बैठे हो सकते हैं, हमें इनको बिठाने की व्यवस्था नहीं करनी, वो पहले से बैठे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पास में जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मान लीजिए कि हमें इस ऑप्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन पांचों में सच दैट किन्हीं भी दो एडजेसेंट लोगों के पास की हेड सेम कलर की ना हो। तो क्या सबसे पहले हम लोग इस ग्रीन कलर की बॉल को किसी एक को बांट देते हैं, तो इन पांचों में से किसी भी एक व्यक्ति को हमने ग्रीन कलर की हेड दे दी, से हम लोग हमने सी को ग्रीन कलर की हेड दी है। अब देखिए सी के पास हमारे पास में अगर ग्रीन कलर की हेड है, अब हमारे पास दो रेड और दो ब्लू कलर की हेड अवेलेबल है। इन चारों में इन हेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के देखिए कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए एक तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ रेड बांटूँ, यहाँ रेड बांटूँ, यहाँ ब्लू और यहाँ ब्लू बांटूँ, एक तरीका तो ये हो सकता है, या ये तरीका हो सकता है कि यहाँ मैं रेड बांटूँ, यहाँ मैं रेड बांटूँ और यहाँ मैं ब्लू बांटूँ। इन दो के अलावा कोई भी तरीका नहीं हो सकता। तो 5c1 × 2 तो टोटल हमारे पास में देखिए हो जाता है 10 × 3 यानी कि 30, यानी कि टोटल इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के 30 तरीके होंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, पार्ट टू जो था 2016 से 2019 के IIT एडवांस के क्वेश्चंस का, जिसमें हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को लिया है, वो यहीं पर हमारा अब समाप्त होता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। ओके एंड थैंक यू।